Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you are doing well. Guys, this is important topic series. This is class number 2 और ये जो important topic series है ये है UGC Net Paper 2 जो कि commerce वाला होता है. उस commerce वाले subject के लिए हम important topic series को लेकर के आए हैं आप सभी के लिए. Important topic series में क्या कुछ करने वाले मैं आपको बता दूं कि paper 2 जो कि कॉमर्स है आपका, इसमें ऑल 10 यूनिट्स के जो टॉपिक एवरग्रीन टाइप होते हैं जहां से बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं उन टॉपिक को मैं यहां पर कवर करवाने वाला हूं फ्री में. सो यहां पर आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे हम थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, दैट इज अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत. यहाँ पर जो थियोरीज हैं वो आपके एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन बनता है और ऑलमोस्ट हर बार इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है. इससे पहले मैं क्लास 1 ऑलरेडी ले चुका हूँ जो थी बिजनेस इन्वायरमेंट के ऊपर, और ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज है जो है कॉमर्स की, इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा और प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, साथ ही कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा. इसके अलावा आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के भी इस सीरीज को ढूंढ सकते हो, वहां पर भी ये सीरीज जो है आपको मिल जाएगी, वहां पर भी आप सर्च कर सकते हो. दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी को पता होगा और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे. और गाइस, अगर आप कंप्लीट कोर्स चाहते हो पेपर 1 का, कॉमर्स का, मैनेजमेंट का या पॉलिटिकल साइंस का, तो गूगल प्ले स्टोर से आप UGC नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल कर सकते हो. अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज थियोरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. सो गाइस, व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड? इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है? सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है. सो ट्रेड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पीपल और एंटिटीज. क्या बोला जा रहा है कि भाई आप गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हो, एक पर्सन दूसरे को दे रहा है और दूसरा पर्सन उसके बदले में कुछ पैसे, कुछ करेंसी, कुछ मनी अवेलेबल करवा रहा है, तो एक्सचेंज कर रहा है सिंपली. इंटरनेशनल ट्रेड इज देन कंसेप्ट ऑफ दिस एक्सचेंज बिटवीन पीपल और एंटिटीज इन टू डिफरेंट कंट्रीज. तो अगर इसी चीज को अगर इंटरनेशनल लेवल पे किया जा रहा है, बड़े लेवल पे कर रहे हो आप, तो वो क्या है आपका, वो आपका कहलाएगा कि भाई आपका इंटरनेशनल ट्रेड हो गया. सिंपल है. तो जो ट्रेड होता है दैट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज ट्रेड. और अगर उसी को आप इंटरनेशनल लेवल पे करोगे तो दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब दो कंट्री आपस में कर रही है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा. क्लियर हो गया? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो अलग अलग देशों में लोगों या संस्थाओं के बीच इस आदान प्रदान की अवधारणा है. किस आदान प्रदान की? वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान की. सो दिस इज इंटरनेशनल ट्रेड. सिंपल भाषा, सिंपल डेफिनेशन है. ठीक है गाइस, अब यहाँ पर अब जो मैं आपको कराने वाला हूँ दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. इन थ्योरीज को आपको अच्छे से करना है, रट लो, याद कर लो, दिमाग में बैठा लो, कुछ भी करो लेकिन याद हो जाना चाहिए आपको, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बनने के काफी ज्यादा चांस रहते हैं. तो गाइज, यहाँ पर दो तरह की थ्योरीज हैं. इन थियोरीज को दो पार्ट्स में, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज क्लासिकल कंट्री बेस्ड थियोरी. इसमें क्या था कि कंट्री को बेस मान करके थियोरी बनाई गई थी. और मॉडर्न जो थियोरीज हैं उसमें एक फर्म को, एक कंपनी को या फिर एक इंडस्ट्री को मान करके थियोरी बनाई गई है. तो यहाँ पर ये दो तरह की थियोरी जो कि हमें डिस्कस करनी है आज के इस लेक्चर में. यहाँ पर गाइस, जो आपकी कंट्री बेस्ड थियोरीज हैं उसमें आपकी मर्केंटलिज्म थियोरी है, एब्सोल्यूट एडवांटेज है, कंपैरेटिव एडवांटेज है, देन हेक्सर ओहलिन थियोरी है. तो ये चार थियोरी जो कि हमें डिस्कस करनी है गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट थियोरीज है, यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में. इसके अलावा मॉडर्न फर्म बेस्ड जो थियोरी है जो कि एक फर्म को ध्यान में रखकर की थियोरी बनाई गई है, इन थियोरीज के अंदर आपकी आ जाती है कंट्री सिमिलैरिटी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. इसके अलावा आपकी आ जाती है यहाँ पर ग्लोबल स्ट्रेटेजिक राइवलरी, पोर्टर्स नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. सो गाइज, दीज आर दी थियोरी जिनको कि हमें आज की इस क्लास में डिस्कस करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से और समझते हैं थियोरीज को. सो गाइस, पहली जो थियोरी है दैट इज क्लासिकल वाली थियोरी, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्लासिकल में चार थियोरी जिनको कि हमें पढ़ना है. तो पहले हम इन चार थियोरी को डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम मॉडर्न थियोरीज को डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग क्लासिकल थियोरीज को डिस्कस कर लेते हैं. सो पहली थियोरी कौन सी है? मर्केंटलिज्म थियोरी. इसमें क्या बोला गया है? ये तो बहुत सिंपल थियोरी है. इसमें ये बोला जा रहा है भाई कि इसको देखो 16th सेंचुरी में बनाया गया था, 16वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था. बहुत पुरानी थियोरी है ये. Mercantilism was one of the earliest effort to develop an economic theory. This theory stated that country's wealth was determined by the amount of its gold and silver holding. याद रखना, mercantilism theory में जो इसका theory का base जो है that is reserve of gold and silver. जिस country के पास जितना ज़्यादा gold और silver होगा वो country उतनी ही अच्छी, उतनी ही wealth, उसकी country के पास उतनी ज़्यादा wealth होगी, अच्छी मानी जाएगी wealth के sense में.
तो इस थ्योरी में इस बात पे ध्यान दिया गया, जोर दिया गया भाई कि आप गोल्ड और सिल्वर की जो होल्डिंग्स है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ, इंक्रीज करो, ताकि जो आपकी कंट्री की वेल्थ है वो अच्छी हो जाए। सो इन इट्स सिंपलेस्ट सेंस मर्केंटलिस्ट बिलीव दैट अ कंट्री शुड इंक्रीज इट्स होल्डिंग्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर बाय प्रमोटिंग एक्सपोर्ट एंड डिस्करेजिंग इम्पोर्ट। क्या बोलो सर कि भाई आप एक्सपोर्ट करो, जब आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो बदले में आपको गोल्ड मिलेगा, जिससे आपकी कंट्री की जो वेल्थ है वो अच्छी हो जाएगी। तो इसमें ये बोला जा रहा है, सपोज करो इंडिया है, तो इंडिया क्या करती है, इंडिया गेहूं बनाती है, इंडिया वीट बनाती है। तो इस थियोरी के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है कि भाई अगर आप कुछ सामान बनाते हो तो उसको आप एक्सपोर्ट कर दो, ताकि बदले में आपको गोल्ड मिल जाए। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले करेंसी तो चलती नहीं थी, रुपए नहीं थे, डॉलर नहीं थे, कुछ नहीं था। पहले जब आप एक्सचेंज करते थे तो गोल्ड और सिल्वर के मेथड का यूज करते थे आप एक्सचेंज करने में। तो गाइज यहाँ पर इस थियोरी में बोला जा रहा है कि जितना ज्यादा आप एक्सपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा गोल्ड हमें मिलेगा, और जो कि हमारी कंट्री के लिए अच्छा होगा, और इम्पोर्ट को डिस्करेज करना है। ये बोला जा रहा है कि डिस्करेजिंग इम्पोर्ट, हमें जो आयात होता है ना, आयात मतलब हमारी कंट्री में जो इम्पोर्ट होता है उसको हमें डिस्करेज करना है, कम करना है, ताकि अगर आप आयात करोगे, सपोज करो अगर आप ऑयल परचेज कर रहे हो बाहर की किसी कंट्री से, तो ऑयल हमारी कंट्री में आएगा और बदले में हमें क्या देना पड़ेगा, गोल्ड या सिल्वर देना पड़ेगा, तो हमारी कंट्री से गोल्ड सिल्वर चला जाएगा। तो यहाँ बोला जा रहा है कि इम्पोर्ट कम करना है और एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है। इस थियोरी में सिंपल इस बात पे जोर दिया गया है, और वो भी इसलिए बोला गया कि हमें गोल्ड को ज़्यादा से ज़्यादा, गोल्ड और सिल्वर को क्या करना है, हमें बढ़ाना है अपने यहाँ पर, उसका जो अमाउंट है वो बढ़ाना, इंक्रीज करना है। सिंपल वर्ड्स में अगर बोले, सो इफ पीपल इन अदर कंट्रीज बाय मोर फ्रॉम यू, दैट इज एक्सपोर्ट अगर हम करेंगे, देन दे सेल टू यू, दैट इज इम्पोर्ट, देन दे हैव टू पे यू द डिफरेंस इन गोल्ड एंड सिल्वर। तो वही बात बोली जा रही है कि भाई जो डिफरेंस होगा वो गोल्ड और सिल्वर से सेटल कर दिया जाएगा। सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैंने 100 kg गोल्ड के इक्वल में मैंने एक्सपोर्ट कर दिया सामान, तो मैंने सपोज करो अगर गेहूं मैंने अगर यूएस को एक्सपोर्ट कर दिया, तो उन्होंने मुझे 100 किलो का गोल्ड दे दिया, और बदले में मुझे वहां से ऑयल परचेज करना पड़ेगा। तो जब मैं ऑयल परचेज करता हूँ तो मुझे ऑयल इतना कम परचेज करता हूँ कि भाई मुझे केवल और केवल 50 किलो गोल्ड देना पड़ता है। जो मैंने ऑयल लिया वो केवल और केवल 50 लीटर ऑयल है, थोड़ा सा ऑयल लिया मैंने, तो मुझे 50 किलो गोल्ड देना पड़ गया। तो मैंने लिया था 100 kg और देना पड़ा मुझे 50 kg, इसका मतलब नेट इफेक्ट कितना हो गया, 50 kg। इसका मतलब इंडिया के पास 50 kg का जो गोल्ड है इस साल इन्होंने अर्न किया है, और इस वजह से इंडिया की जो वेल्थ है वो अच्छी है। इस थ्योरी में इतना बोला गया है। तो सिंपल है कि एक्सपोर्ट ज्यादा करो, इम्पोर्ट कम करो, ये बोला जा रहा है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच कंट्री वॉज टू हैव टू ट्रेड सरप्लस, ये बोला जा रहा है कि भाई आपको ट्रेड सरप्लस में रहना चाहिए, बिकॉज आपको आपको गोल्ड और सिल्वर ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करना है, और सिचुएशन वेयर द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज ग्रेटर ग्रेटर देन द इम्पोर्ट एंड अवर ट्रेड डेफिसिट, और सिचुएशन वेयर द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। सिंपल वही बोला जा रहा है कि भाई आपको एक्सपोर्ट ज्यादा करना है और इम्पोर्ट आपको कम करना है। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों समझ में आ गया, इसको हिंदी में कहते हैं व्यापारिकता। 16वीं शताब्दी में ये बनी थी, और इसमें सिंपल भाषा में बोला जा रहा है कि भाई सोना चांदी आपको इकट्ठा करना, ज्यादा से ज्यादा जिस कंट्री के पास, जिस देश के पास जितना ज्यादा सोना और चांदी होगा वो कंट्री उतनी ज्यादा संपत्ति उसके पास मानी जाएगी। और ये कैसे बढ़ेगा, ये बढ़ेगा निर्यात को बढ़ावा देकर। निर्यात ज्यादा करना है और आयात को या क्या करना है, हतोत्साहित करना है, मतलब आयात को कम करना है। तो आयात कम कर दोगे और एक्सपोर्ट बढ़ा दोगे तो हमारे पास गोल्ड और सिल्वर की मात्रा जो है ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से इसमें बोला गया है व्यापार घाटे से हमें बचना है, और हमें क्या करना है, हमें व्यापार घाटे से बच के रहना है, और इसमें व्यापार इस तरीके से करना है कि भाई हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा रहे और इम्पोर्ट क्या रहे, कम रहे। ठीक है, तो बस ये बात जो है वो सिंपल, सबसे सिंपल जो आपकी थियोरी वो यही थियोरी है, इसमें ये बोला जाता है। जो नेक्स्ट आपकी थियोरी, दैट इज एब्सोल्यूट एडवांटेज थियोरी, जिसको हम कहते हैं पूर्ण लाभ सिद्धांत हिंदी में, और ये एडम स्मिथ ने बनाई थी। तो गाइस नाम याद कर लूँ, कई बार एग्जाम में यही पूछ लेते हैं कि एडम स्मिथ ने कौन सी थियोरी बनाई थी, या फिर एडम स्मिथ ने तो बहुत सारी थियोरीज बनाई है, इसका नाम पूछेंगे एब्सोल्यूट एडवांटेज थियोरी किसने बनाई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एब्सोल्यूट एडवांटेज थियोरी है वो एडम स्मिथ ने बनाई थी। ठीक है, समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है इसमें। एडम स्मिथ इन द बुक एन इंक्वायरी इन टू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, बोला जा रहा है कि भाई जो एडम स्मिथ हैं इन्होंने एक बुक लिखी थी, इंक्वायरी इन टू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इस बुक के अंदर इन्होंने इस थ्योरी का जिक्र किया था, इस थ्योरी के बारे में बताया था, और इस थ्योरी में क्या बोला जा रहा है, दैट स्मिथ ऑफर्ड अ न्यू ट्रेड थ्योरी कॉल्ड एब्सोल्यूट एडवांटेज, विच फोकस ऑन एबिलिटी ऑफ अ कंट्री टू प्रोड्यूस अ गुड मोर एफिशियंटली देन अनदर नेशन।
इसमें भाई ये बोला जा रहा है कि अगर कोई कंट्री किसी गुड्स को बनाने में अच्छी है, कोई कंट्री अगर किसी गुड्स को बनाने में अच्छी है तो उसको उसी पे ध्यान देना चाहिए, ना कि ऐसे सामान को बनाने में जिसमें कि वो अच्छी नहीं है। स्मिथ रीजन दैट द ट्रेड बिटवीन कंट्री शुड नॉट बी रेगुलेटेड और रिस्ट्रिक्टेड बाय द गवर्नमेंट पॉलिसी और इंटरवेंशन। ये बोला जा रहा है कि भाई जो गवर्नमेंट है वो इस तरह की पॉलिसी ना बनाए जिससे कि रिस्ट्रिक्शन लगे, जिससे कि रेगुलेट किया जाए, फिर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर। तो उसने बोला भाई इस थ्योरी में बोला जाता है कि भाई गवर्नमेंट जो है ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन ना लगाए। ही स्टेटेड दैट ट्रेड शुड फ्लो नेचुरली अकॉर्डिंग टू मार्केट फोर्सेज, और जो ट्रेड है वो मार्केट फोर्सेज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप देखो एक एग्जाम्पल लेके बताऊंगा यहाँ पर, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ अभी ऑलरेडी, टू कंट्री हैं, कंट्री ए कुड प्रोड्यूस गुड चीपर और फास्टर देन कंट्री बी। भाई कंट्री ए है जो कि एक सामान बनाती है, सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया में हम लोग गेहूं बहुत अच्छे से बना लेते हैं, ठीक है, और हमारे यहाँ पर इंडिया में टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है, हमारे इंडिया में टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है, तो हमें टेक्नोलॉजी पर फोकस नहीं करना चाहिए, हमें गेहूं बनाने पर फोकस करना चाहिए, बिकॉज हम इसके प्रोडक्शन में अच्छे हैं, और अगर हम अपने सारे के सारे रिसोर्सेज लगा देंगे गेहूं बनाने में तो हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इंडिया गेहूं का बहुत ही बड़े लेवल पर प्रोडक्शन कर सकती है, जबकि यूएस अमेरिका टेक्नोलॉजी पे बहुत अच्छे से प्रोडक्शन कर सकता है। अगर यूएस गेहूं बनाने बैठेगा तो गेहूं अच्छे से वो नहीं बना पाएगा, और जिसकी वजह से रिसोर्सेज का लॉस है, टाइम का लॉस है। तो यहाँ पर इस थ्योरी में बोला जा रहा है कि भाई कंट्री ए गेहूं बना ले बहुत सारा जिसमें वो अच्छी है, यूएस टेक्नोलॉजी बना ले जिसमें वो अच्छा है, और बाद में ये एक दूसरे से एक्सचेंज कर ले। जैसे यूएस को भी खाने के लिए गेहूं चाहिए ना, तो वो कंट्री ए से इम्पोर्ट करवा ले अपने यहाँ पर जितना उसको चाहिए, और वही सेम चीज़ इंडिया कर ले कि भाई टेक्नोलॉजी इंडिया को भी चाहिए तो इंडिया यहाँ से अपने यहाँ पर इम्पोर्ट करवा ले टेक्नोलॉजी जितनी चाहिए इनको। तो इस तरीके से जो पूरा वर्ल्ड है वो अच्छा हो जाएगा। और इन्होंने एग्जाम्पल लेकर के बताया था भाई कि अगर एक एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ली थी इन्होंने, ये कहा था भाई कि अगर पूरे देश में, मतलब पूरी दुनिया में दो ही कंट्री हैं, पूरी दुनिया में कंट्री ए और कंट्री बी है, दो ही कंट्री हैं, एंड कंट्री ए हैड एडवांटेज दैट ही कुड फोकस ऑन स्पेशलाइजिंग और प्रोड्यूसिंग दैट गुड। अगर कंट्री ए किसी सामान को बनाने में अच्छी है, जहाँ पर उसको उसको बनाने में कम मेहनत लगती है और सस्ता सस्ते कॉस्ट में बना सकती है, मतलब ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आती बनाने में, तो कंट्री ए को उसी चीज़ पर फोकस करना चाहिए। और कंट्री बी किसी दूसरे सामान को बना लेती है अच्छा, तो उसको अनदर गुड पे फोकस करना चाहिए, ना कि गेहूं पे। बल्कि ऐसा नहीं कि इंडिया भी गेहूं बना रही है और साथ में अमेरिका भी गेहूं बनाने लग जाएगा, तो अमेरिका गेहूं बनाने में अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो अपने यहाँ के रिसोर्सेज खराब कर रहे हैं, अपने यहाँ का जो लेबर उनके यहाँ का है, जो लेबर आर है, जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है गेहूं को बनाने में, तो इसलिए उनको ये काम नहीं करना चाहिए। जबकि इंडिया में टेक्नोलॉजी नहीं बननी चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी बनाने में ज़्यादा कॉस्ट आएगी, है ना। तो यहाँ पर फोकस उन चीज़ों पर करना है हमें जिसको बनाने में हम अच्छे हैं। तो ये थ्योरी जो है वो एडम स्मिथ ने दी थी, याद रखना 1776 के लगभग लगभग में इस थ्योरी जो है वो बनाई गई थी, एडम स्मिथ ने बनाई थी। समझ में आ गया, इजी है। स्मिथ थ्योरी रीजन दैट विद इंक्रीज एफिशिएंसी पीपल इन बोथ कंट्री वुड बेनिफिट एंड ट्रेड शुड बी इनकरेज। क्या बोला जा रहा है कि भाई अगर स्मिथ ने रीजन दिया कि अगर दोनों कंट्री इस तरीके से काम करती हैं तो दोनों को ही क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा। हिज थियोरी स्टेटेड दैट नेशंस वेल्थ शुड नॉट बी जज बाय हाउ मच गोल्ड एंड सिल्वर इट हैड बट रेदर बाय द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स पीपल। तो इस थियोरी ने कहा था, याद रखना साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई जो हमारी एब्सोल्यूट एडवांटेज की थियोरी है ना, एब्सोल्यूट एडवांटेज की थ्योरी, इसमें साफ साफ बोला गया कि गोल्ड और सिल्वर कितना जमा कर लोगे वो आपकी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि आपकी कंट्री में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर अच्छा है लोगों का तो वो अच्छी कंट्री मानी जाएगी। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर इस बात पे जोर दिया गया है कि भाई गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा अवेलेबल होने चाहिए। क्या बोला जा रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा अवेलेबल होंगे तो आपके कंट्री के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो जाएगा लोगों का, रेदर देन कि गोल्ड एंड सिल्वर का हमने भंडार बना के रखा हुआ है। एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, दिल्ली में सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पर, दिल्ली में केवल केवल 5 बस अवेलेबल हैं, तो और दिल्ली की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो लोगों को प्रॉब्लम होगी ना बस में सफ़र करने में, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का फिर सामना करना पड़ेगा, और दिल्ली के पास गोल्ड और सिल्वर बहुत सारा है, तो क्या है वो तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे ना, तो
उनको फोकस करना चाहिए कि हमें गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ाने चाहिए, हमें बस की संख्याएं बढ़ानी है, 1,000 बस कर दो, 1,000 बसेस कर दो, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सभी का अच्छा हो जाए, सभी को कोई दिक्कत ना हो हमारे यहाँ पर जितने भी सिटीजन्स हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज पे ध्यान देना चाहिए, इस बात पे ध्यान दो कि भाई कंट्री ए ज़्यादा बनाए, कंट्री बी कोई दूसरा गुड्स बनाए, ताकि हमारे पास हमारी अर्थ पे हमारी दुनिया में ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हो, जिससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, ना कि गोल्ड और सिल्वर का भंडार बढ़े। समझ में आ गया, इजी थियोरी ये भी है ना, समझ में आ गया, हिंदी मीडियम वाले बच्चों समझ में आ गया। अगर समझना तो एक बार आप लोग इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, हिंदी में मैंने डाला हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, वैसे समझ में आ ही गया होगा, हिंदी में मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें थ्योरी आती है कंपेरेटिव एडवांटेज थ्योरी, तुलनात्मक लाभ, बाय डेविड रिकार्डो। ये नाम भी याद रखना, डेविड रिकार्डो ने थ्योरी बनाई थी, ये नाम कई बार पूछ लेते हैं कि कंपेरेटिव एडवांटेज थ्योरी किसने बनाई थी, तो दैट इज मेड बाय डेविड रिकार्डो, ठीक है, समझ में आ गया। नाउ आगे डिस्कस करते हैं। ओके सो गाइज, इस थ्योरी की सबसे अच्छी बात ये है कि सपोज करो आपने कभी अगर ऐसा सोचा है, नहीं सोचा तो मैं चलो आपको सोचवा देता हूँ कि भाई अगर मैंने आपको बोला कि कंट्री ए जो है, इंडिया जो है वो गेहूं बनाने में अच्छी है, तो गेहूं बनाए, यूएस जो है अमेरिका वो टेक्नोलॉजी बनाने में अच्छा, तो टेक्नोलॉजी बनाए। अगर हम बात करें इंडिया की, जो कि कंट्री ए है, वो ना तो गेहूं अच्छे से बना पाती है और ना ही वो टेक्नोलॉजी अच्छे से बना पाती, मतलब ये कुछ भी नहीं कर पाती। और अगर हम बात करें यूएस की, तो वो टेक्नोलॉजी भी बना लेते हैं और गेहूं भी अच्छा खासा उगा लेते हैं, तब उस केस में क्या करेंगे? अब ये कंट्री तो कुछ नहीं कर पा रही ना, और ये कंट्री तो बहुत कुछ कर रही है, मतलब दोनों चीज़ें कर पा रही है, गेहूं भी बना रही है और टेक्नोलॉजी बना रही है। तब अब बताओ इंडिया किस तरीके से इसके साथ ट्रेड करेगी, इसके पास तो कुछ है ही नहीं ना ट्रेड करने के लिए। तो अब इस केस में हम कंपेरेटिव एडवांटेज वाली थ्योरी को लेकर के आते हैं कि भाई देखो दोनों को चेक करो, कंट्री ए को कंट्री बी के साथ, कि भाई किस चीज में कंपेरेटिव एडवांटेज, दोनों को कंपेयर करो, कंट्री ए के देखो कि क्या बनाती है, कंट्री बी का देखो क्या बनाती है, कोई ना कोई सामान ऐसा जरूर मिलेगा जिसमें कंट्री ए अच्छी होगी, उतनी अच्छी नहीं होगी जितना बी बना रही है। सपोज करो अगर यूएस 10 किलो गेहूं बना लेता है, तो इंडिया केवल 8 किलो बना पाती है, जबकि जो जो यूएस है वो टेक्नोलॉजी बना लेता है, 10 10 यूनिट टेक्नोलॉजी बना लेता है, और इंडिया केवल 1 यूनिट टेक्नोलॉजी बना पाती है। तो यहाँ से आप देख के पता लगा लेंगे कि भाई यूएस जो है वो टेक्नोलॉजी भी अच्छा है और गेहूं भी अच्छा बनाता है, लेकिन इंडिया केवल 1 यूनिट बना पाती है, तो ना तो ये टेक्नोलॉजी में अच्छी है और ना ही ये गेहूं बनाने में इतनी अच्छी, इसके कंपेरेटिवली अच्छी नहीं है, क्योंकि 10 किलो बना रहा है या 8 किलो बना रहा है। तो यहाँ पर कंपेरेटिव एडवांटेज का मतलब है कि भाई तुलना करो कि क्या अच्छा बना पा रहे हो। देखो यहाँ पर इसमें तो आप तुलना करोगे तो पता लगेगा कि भाई बहुत गंदा बना पा रहे हो सामान आप, है ना। तो क्या करना है, अब इनकी तुलना करो, इनकी तुलना करके देखोगे तो ये 8 किलो बना पा रही है इंडिया, और जो यूएस वो 10 किलो बना रहा है गेहूं। तो यहाँ पर अमेरिका से बोलो कि भाई हम फिर भी अच्छे हैं, मतलब आपके जितने अच्छे नहीं, लेकिन हम ठीक ठाक हैं, टेक्नोलॉजी के कंपेरिजन में तो बहुत अच्छे हैं, तो हम फोकस करेंगे गेहूं बनाने पे, हम टेक्नोलॉजी बनाएंगे ही नहीं अपने यहाँ पर। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यार गेहूं ना बनाओ, आप टेक्नोलॉजी ही बना लो जब आप लोग अच्छे हो, और गेहूं आप हमसे ले लेना, समझ रहे हो। तो इस तरीके से इस थ्योरी के अंदर किया जाता है कि भाई कंपेयर कर लो, नाम से पता चला ना, कंपेयर कंपेरेटिव का मतलब कंपेयर कर लो कि कौन से ऐसे गुड्स हैं जिसके कंपेरेटिवली आप अच्छे हो, अपने ही कंपेरेटिवली आप अच्छे हो दूसरे गुड्स के अकॉर्डिंग, तो आप उस सामान को बनाने पर फोकस करो। तो इस तरीके से इस थ्योरी में होता है ना। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इस थ्योरी को डेविड रिकार्डो ने बनाया था, 1817 में थ्योरी को बनाया गया था। इफ अ कंट्री ए हैड द एब्सोल्यूट एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द प्रोडक्ट, स्पेशलाइजेशन एंड ट्रेड कुड स्टिल अकर बिटवीन टू कंट्रीज। अगर एक सिंगल कंट्री सब कुछ बनाने में ठीक ठाक है, अच्छा बना लेती है सब कुछ, तब भी वो दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर सकती है, और वो ट्रेड किस तरीके से करेगी मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है गाइज, अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कंपेटिव एडवांटेज अकर्स वेन कंट्री कैन नॉट प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट मोर एफिशियंटली देन दी अदर कंट्री, हाउ एवर इट कैन प्रोड्यूस द अदर दैट प्रोडक्ट बेटर एंड मोर एफिशियंटली दैट इट डज अदर गुड्स। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थ्योरीज इज सबटल, कंपेटिव एडवांटेज फोकस ऑन रिलेटिव प्रोडक्ट प्रोडक्टिव डिफरेंस, वेर इज एब्सोल्यूट एडवांटेज लुक एट द एब्सोल्यूट प्रोडक्टिव डिफरेंस, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको दोबारा से एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, वही जो एग्जाम्पल मैंने लिया था अभी। यहाँ पर सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको अच्छे से बात समझा देता हूँ। यहाँ पर है हमारी इंडिया और यहाँ पर है यूएस अमेरिका, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पर हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे गेहूँ ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ले लेते हैं गेहूँ, दैट इज वीट, और यहाँ पर ले लेते हैं हम टेक्नोलॉजी, ठीक
है। अब इंडिया जो है वो 8 किलो गेहूं बना पाती है, जबकि अमेरिका 10 किलो गेहूं बना लेता है। टेक्नोलॉजी के मामले में इंडिया बहुत पीछे है, तो वो केवल और केवल एक यूनिट बना पाती है टेक्नोलॉजी की, मतलब पूरी पूरे साल मेहनत करेगी तो केवल एक टेक्नोलॉजी बना पाती है। यूएस में टेक्नोलॉजी बहुत बड़े लेवल बनती है, तो वो 10 यूनिट बना पाते हैं टेक्नोलॉजी, तो वो 10 यूनिट बना लेंगे, इसका मतलब वो बहुत अच्छे हैं टेक्नोलॉजी के मामले में। तो आप देखेंगे कि यूएस दोनों में अच्छा है, इंडिया के कंपैरिजन यूएस दोनों में अच्छा है, वो गेहूं भी अच्छे से बना पा रहा है, वो टेक्नोलॉजी भी अच्छे से बना पा रहा है, लेकिन इंडिया ना तो इस यूएस के कंपेरेटिवली ना तो वो गेहूं अच्छे से बना पा रहा है, ना ही वो टेक्नोलॉजी अच्छे से बना पा रहा है। तो ऐसे में अब हम यहाँ पर कंपेरेटिव एडवांटेज की बात करेंगे। अब गाइस यहाँ पर कंपेरेटिव एडवांटेज क्या है मैं बताता हूँ अभी। कंपेरेटिव एडवांटेज का मतलब है कि भाई इंडिया अपने ही गुड्स को देखेगी, गेहूं को देखेगी और टेक्नोलॉजी को देखेगी, सोचेगी कि भाई मैं किस में अच्छी हूँ, वो इन दोनों को कंपेयर करेगी। सुनना ध्यान से क्या बोला जा रहा है, कि वो इन दोनों को कंपेयर करेगी किसके कंपैरिजन में, यूएस के कंपैरिजन में, देखेगी कि भाई यहाँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब ये होगा कि टेक्नोलॉजी में हम अच्छे नहीं हैं, समझ रहे हो। जबकि वो देखेगी कि भाई यहाँ 10 kg और यहाँ पर 8 kg, इसका मतलब सिर्फ 2 kg का डिफरेंस है, इसका मतलब है कि इंडिया कुछ हद तक अच्छी है गेहूँ बनाने में। तो इसका मतलब है कि इंडिया अब केवल केवल गेहूँ बनाएगी और वो टेक्नोलॉजी नहीं बनाएगी, जबकि यूएस से बात कर करके इनसे बोला जाएगा भाई कि आप टेक्नोलॉजी बनाओ, टेक्नोलॉजी बनाने में अच्छे हो, और क्योंकि इसमें ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, तो हम लोग बना रहे हैं गेहूँ, आप प्लीज़ गेहूँ ना बनाएं, आप टेक्नोलॉजी पर फोकस करें, गेहूँ हम आपको एक्सपोर्ट कर देंगे और आप हमें टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर देना। तो समझ में आ गया। तो इस तरीके से जो आपकी कंपेरेटिव एडवांटेज थ्योरी बनी है, और ये सिंपल कंपेरिजन पे फोकस किया जाता है कि भाई कंपेयर कर लो कि आप किस गुड्स को बनाने में अच्छे हो, कंपेरेटिवली, उतने अच्छे नहीं हो लेकिन कंपेरेटिवली आप अच्छे हो। तो कुछ बच्चे यहाँ पे सोच रहे होंगे कि सर एब्सोल्यूट एडवांटेज में भी तो यही बोला गया था जो ऊपर हमने सीखी थी, एडम स्मिथ वाली थ्योरी, ये तो ये डेविड रिकार्डो की थ्योरी है। तो हाँ दोनों में बात तो लगभग लगभग वही बोली जा रही है, लेकिन यहाँ पर कंपेरेटिव की बात की जा रही है, कंपैरिजन करना है, क्योंकि ये पता है कौन थ्योरी कब लगाई जाएगी, जब कोई एक कंट्री सब कुछ बनाने में अच्छी है और बी कंट्री कुछ भी अच्छा नहीं बना पा रही है, तब इस थ्योरी को देखा जाएगा कि भाई बी के पास कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कंपेरेटिवली इन तीनों चारों पांचों गुड्स के अकॉर्डिंग कि जिसमें वो ठीक ठाक होगी, अच्छी थोड़ा बहुत ठीक ठाक होगी, तो उसको बनाने पर फोकस किया जाएगा, फिर ये आपस में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर लेंगे उसी गुड्स के साथ। समझ में आ गया। तो इस थ्योरी में ये बोला जा रहा है। सो गाइज यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप लोग इस चीज को समझ लेना, अभी मैंने आपको समझा दिया है। ये वही चीज बोली जा रही है कि जो इंग्लैंड है वो क्लोथ भी अच्छा बना पा रहा है और वाइन भी अच्छा बना पा रहा है, क्लोथ और वाइन दोनों अच्छे बनाते हैं। पुर्तगाल में क्लोथ 90 और वाइन 80, तो मतलब इसके कंपैरिजन में दोनों में ही वीक है पुर्तगाल, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जबकि इसके बीच में इतना डिफरेंस नहीं है। तो पुर्तगाल मतलब कुछ हद तक सही है क्लोथ बनाने में, तो पुर्तगाल इंग्लैंड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा जिसमें वो बात कर लेगा कि भाई मैं क्लोथ बनाऊंगा, मैं अच्छा हूँ क्लोथ बनाने में, लेकिन मैं वाइन बनाने में इतना अच्छा नहीं हूँ, तो आप प्लीज वाइन बनाइए और हमें एक्सपोर्ट कर देना, हम क्लोथ बनाएंगे और आपको एक्सपोर्ट कर देंगे। तो ये जो चीज है इस तरीके से करी जाती है। समझ में आ गया कंपेरेटिव एडवांटेज थ्योरी, इजी है। और यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने और डाला हुआ है, तो आप इसको पढ़ लेना, वही सेम बात यहाँ पर भी बोली जा रही जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो आपको समझ में आ जाएगा। आप पीडीएफ डाउनलोड कर ले करके इसको एक बार रीड आउट कर लेना, ठीक है। हिंदी वाले बच्चों समझ में आ गया पूर्ण लाभ सिद्धांत, हमें जो हमने पहले समझी थी ना एडम स्मिथ वाली, उसमें ये चुनौती थी कि भाई अगर कोई कंट्री दोनों ही गुड्स बनाने में अच्छी नहीं है तो उसे क्या करना चाहिए, तब उस केस में तुलनात्मक लाभ वाली थ्योरी अपनानी चाहिए, ना कि पूर्ण लाभ वाली थ्योरी जो एडम स्मिथ ने बनाई थी, और ये आपकी डेविड रिकार्डो की थ्योरी है, ठीक है, जिसने बनाई थी 1817 में, डेविड रिकार्डो, ठीक है। समझ में आ गया सभी को, इजी थ्योरी है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप ना एक बार इसको देख लेना, अगर आपको पढ़ना है हिंदी मीडियम वाले बच्चों, आप लोग इस वीडियो को रोक करके पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हेक्सर होलिन थ्योरी थी, फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, तो गाइज इसका नाम याद कर लो, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं आपसे कि भाई हेक्सर ओलिन थ्योरी जो है वो किस नाम से जानी जाती है, तो ये फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी होती है। समझ में आ गया। अब यहाँ पर फैक्टर प्रोपोर्शन का मतलब होता है लैंड लेबर एंड कैपिटल, दीज आर दी प्रोडक्शन फैक्टर्स, इनके ऊपर जो है ये थ्योरी बेस्ड है, इस थ्योरी में ये बोला गया है। अब यहाँ पर प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे कि कौन सी कंट्री किस चीज के प्रोडक्शन में अच्छी है, इस बात की बात नहीं कर रहे, ये फैक्टर्स की बात कर रहे हैं कि कौन सी कंट्री किस फैक्टर में अच्छी है। जैसे इंडिया में लेबर बहुत अच्छा है, चाइना में लेबर बहुत अच्छा है,
तो हमें ऐसे सामान बनाने चाहिए जिसमें लेबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, और अमेरिका कैपिटल में अच्छा है, उनके पास पैसा बहुत सारा है, उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत सारी है, तो अमेरिका को कैपिटल गुड्स बनाने में फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पर फैक्टर्स की बात की जा रही है, ना कि प्रोडक्शन की, कि आप किसको ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाओगे। तो इन्होंने बोला कि भाई एक स्टेप हम पीछे जाएंगे प्रोडक्शन पे ध्यान ना देकर के, हम फैक्टर्स पे ध्यान देंगे, और जिस फैक्टर में आप अच्छे होंगे ऑब्वियस सी बात है उसका प्रोडक्शन आप ज़्यादा कर पाओगे, है ना। तो जब बस यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि भाई यहाँ पर आपके प्रोडक्शन की जो फैक्टर्स हैं उन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस थ्योरी में ये बोला गया है, यहाँ पर एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो की जो थ्योरीज हैं इसको भी ओवरकम करने की कोशिश की जा रही है कि भाई उनके जो ड्रॉबैक्स रह गए थे इस थ्योरी में ओवरकम हो जाएंगे। इस थ्योरी को बनाया था एली हेक्सन एंड बर्टिल ओहलिन ने, तो यहाँ पर हेक्सर ओहलिन करके तभी इस थ्योरी को बोला जाता है, और इसको फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना इसका दूसरा नाम जो है वो फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी है। अब यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, लैंड लेबर एंड कैपिटल, और विच प्रोवाइड द फंड फॉर इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो ये सब मैंने आपको ऑलरेडी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, और जिस कंट्री के पास अच्छी खासी सप्लाई होगी इन फैक्टर्स की, वो कंट्री उन उस गुड्स उस फैक्टर का यूज़ करते हुए ज़्यादा गुड्स बनाने की कोशिश करेगी। फैक्टर्स दैट वर इन ग्रेट सप्लाई रिलेटेड टू डिमांड वुड बी चीपर। क्या बोला जा रहा है कि भाई अगर सप्लाई ज़्यादा है, जैसे इंडिया में लेबर की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, इंडिया में लेबर बहुत ज़्यादा है और डिमांड इतनी नहीं है, तो ऐसे में जो लेबर है वो सस्ता होगा हमारी इंडिया में एज कम्पेयर विद US जहाँ पर लेबर कम है। सो देयर थियोरी ऑल्सो कॉल्ड द फैक्टर प्रोपोर्शन थियोरी स्टेटेड दैट कंट्रीज वुड प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट गुड्स रिक्वायर्ड रिसोर्सेज और फैक्टर्स दैट वर इन ग्रेट सप्लाई। तो जिस कंट्री में सप्लाई ज़्यादा है उनके फैक्टर्स की, ऐसे में उनको उसी तरह के गुड्स के का प्रोडक्शन करना चाहिए जहाँ पर उन फैक्टर्स का ज़्यादा यूज़ किया जाता है उनके प्रोडक्शन प्रोसेस में, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि भाई जो चाइना है और इंडिया है, यहाँ पर चीप लेबर आपको मिल जाता है, तो आपको ऐसे सामान बनाने चाहिए जहाँ पर आप लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री आपको यहाँ पर लगानी चाहिए, ताकि आपका यहाँ पर जो सामान है वो सस्ता बने। जैसे टेक्सटाइल हो गया, गारमेंट्स हो गया, आपको पता है कि यहाँ पर कपड़े का बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे होता है इंडिया चाइना में, खासतौर पर इंडिया की बात करें तो कपड़े का कॉटन का काम बहुत बड़े लेवल पर होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई कपड़े की। तो ये क्या है, ये इसीलिए लगी हुई क्योंकि यहाँ पर लेबर सस्ता है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। एक्सेल ओलिन सिद्धांत जो है यहाँ पर मैंने हिंदी में भी डाला हुआ है, तो आप लोग हिंदी में भी गो थ्रू कर लेना। इसके अलावा गाइस एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि लियोन्टी पैराडॉक्स क्या है। तो लियोन्टी पैराडॉक्स क्या है, देखो 1950 की बात है, रशियन बोर्न अमेरिकन इकोनॉमिस्ट वेजली डब्ल्यू लैंटॉफ, वेजली लैंटॉफ करके इनका नाम था, और ये इन्होंने US में क्लोजली इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि भाई जबकि US अमेरिका जो है वो कैपिटल में अच्छा है, वहाँ पर कैपिटल अच्छा खासा मिलता है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, पैसा बहुत है, तो उन्हें उनको क्या करना चाहिए, दे शुड एक्सपोर्ट कैपिटल इंटेंसिव गुड्स, उनको इस तरह की गुड्स ज़्यादा बनाने चाहिए, एक्सपोर्ट करने चाहिए, लेकिन वहाँ उल्टा हो रहा था। हिज रिसर्च यूजिंग एक्चुअल डेटा, जो एक्चुअल डेटा था वो उल्टा शो कर रहा था कि भाई US जो है वो इम्पोर्ट कर रहा था कैपिटल इंटेंसिव गुड्स, जबकि ये तो उल्टी बात हो गई। अगर हम ये माने कि जो अमेरिका है US है वो अच्छा है कैपिटल गुड्स में, तो ऐसे में उनको कैपिटल इंटेंसिव गुड्स तो एक्सपोर्ट करने चाहिए बल्कि वो इम्पोर्ट कर रहे थे। तो इस थियरी का जस्ट उल्टा हो गया, जो हमने अभी डिस्कस किया ना उस थियरी का जस्ट उल्टा हो गया, और इसीलिए इस चीज को हम लियोन्टी पैराडॉक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। सो यहाँ पर हिज एनालिसिस बिकम नोन एज लियोन्टी पैराडॉक्स बिकॉज इट वॉज द रिवर्स ऑफ व्हाट एक्सपेक्टेड बाय फैक्टर्स प्रोपोर्शन थ्योरी। हाउएवर व्हाट रिमेन्स क्लियर इज दैट इंटरनेशनल ट्रेड इज कॉम्प्लेक्स, और इस वजह से ये मान करके इस बात को छोड़ दिया गया कि भाई जो इंटरनेशनल ट्रेड है बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही टफ चीज है, एक तो कुछ भी हो सकता है ना। आप यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि भाई बहुत सारे न्यूमरस एंड ऑफन चेंजिंग फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड को, ना कि एक सिंगल फैक्टर, कि भाई कोई कंट्री ऐसी नहीं है कि जैसे US है अमेरिका है, तो ऐसा नहीं है कि वहां पर लेबर इंटेंसिव चीजें बना नहीं सकते, वो भी बना सकते क्योंकि उनके यहाँ भी तो लेबर है ना, तो ऐसी चीजें भी हो सकती हैं, और भी अदर फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ पर जो है वो असर डालते हैं चीजों पे, ना कि एक सिंगल फैक्टर। समझ में आ गया लियोन्टी विरोधाभास क्या होता है। ओके चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पर बहुत ईजी भाषा में अगर मैं बताऊँ ना, तो लियोन्टी विरोधाभास क्या होता है कि भाई अभी थोड़ी देर जस्ट हमने पहले पढ़ा था हेक्सर ओलिन थ्योरी में, कि जो कंट्री कैपिटल गुड बनाती है, मतलब जो कंट्री कैपिटल में अच्छी है उसको कैपिटल वाले गुड्स बनाने चाहिए और एक्सपोर्ट करने चाहिए, जबकि अमेरिका में उल्टा हो रहा था 1950 के दशक में कि वो कैपिटल गुड्स अपने आप पर इम्पोर्ट कर रहे थे एक्सपोर्ट करने की बजाय। तो इस थियोरी का जस्ट उल्टा यहाँ पर हो रहा था, और इस चीज को ऑब्जर्व किया, दैट वॉज एक्चुअल वास्तविक डेटा के बेस पे इस चीज को ऑब्जर्व किया गया, इसी को विरोधाभास कहा जाता है। तो और फिर इस बात को इस तरीके से बोला गया कि भाई जो इंटरनेशनल ट्रेड है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है,
यहाँ पर एक सिंगल फैक्टर इसको अफेक्ट नहीं करता, बल्कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो वो सभी फैक्टर्स जो हैं वो मैटर करते हैं, ना कि एक सिंगल फैक्टर, ना कि एक सिंगल थ्योरी। कोई भी थ्योरी एक आपको यहाँ पर फिक्सेशन नहीं कर सकती कि कंट्री क्या करनी चाहिए, उस कंट्री की सिचुएशन क्या है, क्या हालात है, उस बात पे भी डिपेंड करता है कि वो कंट्री क्या बनाएगी और क्या एक्सपोर्ट करेगी, ठीक है। एज अब हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न एंड फर्म बेस्ड ट्रेड थ्योरीज। अब यहाँ पर जो मॉडर्न थ्योरीज है वो कंप्लीटली फर्म के ऊपर बेस्ड है, इंडस्ट्री बेस्ड फर्म बेस्ड थ्योरीज है। अभी जो हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे दैट वाज कंट्री बेस्ड, हम पूरी कंट्री की बात कर रहे थे एक साथ, लेकिन अब यहाँ पर क्या कर डिस्कस करेंगे, हम एक फर्म की बात करेंगे, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात करेंगे। सो यहाँ पर गाइज वर्ल्ड वॉर टू जब से खत्म हुआ उसके बाद से क्या हुआ कि भाई लोगों ने ध्यान दिया, और जो स्कूल बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर्स हैं इन लोगों ने इन थ्योरीज को बनाया है, ना कि किसी इकोनॉमिस्ट ने। सो फर्म बेस्ड थ्योरीज इवॉल्व विद द ग्रोथ ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन आता गया, जैसे जैसे मल्टीनेशनलाइजेशन स्टार्ट हुआ, तब इन थ्योरी को बनना स्टार्ट हुआ। द कंट्री बेस्ड थ्योरी कुड नॉट एडिक्वेटली एड्रेस द एक्सपेंशन ऑफ आइदर एमएनसी और इंट्रा, मतलब ये जो जो हमारी कंट्री बेस्ड थ्योरीज हैं, कंट्री बेस्ड थियोरीज ने ये नहीं बताया कि भाई एक पर्टिकुलर कंपनी किस तरीके से एक्सपेंड करे, वो किन बातों का ध्यान रखे। जो कंट्री बेस्ड थियोरी हमारी जो क्लासिकल थियोरीज है वो सिर्फ कंट्री की बात करती है, ना कि एक कंपनी की। कंपनी के बारे में कौन बताएगा, तो इसलिए यहाँ पर कंपनी के बारे में बताने के लिए थियोरीज को बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल जापान एक्सपोर्ट टोयोटा व्हीकल्स टू जर्मनी एंड इम्पोर्ट मर्सिडीज बेंज ऑटोमोबाइल्स फ्रॉम जर्मनी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट तो कर रही है, लेकिन आप देखेंगे ये भी टोयोटा है व्हीकल्स की कंपनी, और ये भी क्या है मर्सिडीज बेंज एक ऑटोमोबाइल्स ऑटोमोबाइल्स है, वो भी एक व्हीकल की कंपनी है। तो ये किस तरीके से हो रहा है, इन बातों पर ध्यान देने के लिए इस चीज को बनाया गया। अनलाइक द कंट्री बेस्ड थियोरीज फर्म बेस्ड थियोरीज इनकॉर्पोरेट अदर प्रोडक्ट एंड सर्विस फैक्टर्स इंक्लूडिंग ब्रांड एंड कस्टमर लॉयल्टी टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी इनटू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रेड फ्लोज। तो यहाँ पर गाइज ना सिर्फ कंट्री के प्रोडक्शन पे ध्यान ना दे करके भाई बाकी अदर फैक्टर्स पे भी ध्यान दिया जाता है कि कस्टमर की लॉयल्टी कैसी है, टेक्नोलॉजी कैसी है, क्वालिटी किस तरीके की मेंटेन की जाती है। जैसे इंडिया में जो मारुति सुजुकी की कारें बनती हैं वो इतनी ज्यादा क्वालिटी वाली नहीं होती है, मतलब कुछ एक्सीडेंट हुआ तो कार पूरी खत्म हो जाती है। जबकि अगर आप बाहर जाएंगे ना यूएस में जाएंगे तो जो महंगी महंगी कारें जैसे बीएमडब्ल्यू और जो बड़ी बड़ी कारें हैं उनका जब एक्सीडेंट होता है तो बस आगे का बोनट खराब होता है, पीछे जो बंदा बैठा हुआ वो सेफ रहता है, उसकी जान को खतरा नहीं होता। जबकि इंडिया में जो कारें बनती है मारुति सुजुकी की वो तो उनकी तो चटनी बन जाती है। अगर कोई को किसी ट्रक से टक्कर हो गई है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो इन कारों की चटनी बन जाती है। तो क्वालिटी के ऊपर भी ध्यान देने की बात बोली गई है जो कि इन थियोरीज में बोला गया है। तो चलिए देखते हैं फटाफट से थियोरीज में क्या बोला गया है। पहली थियोरी आपकी कंट्री सिमिलैरिटी थियोरी। नाम से पता चल रहा है कि कंट्री सिमिलैरिटी का मतलब है कि एक कंट्री अपनी दूसरी कंट्री को देखती है कि मेरे से कौन सी कंट्री ऐसी जो कि सिमिलर है, और जो मेरे से सिमिलर होगी मैं वहां पर जाके सामान सेल करना स्टार्ट कर दूंगा। जैसे इस थ्योरी को बाद में समझेंगे, पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। हमारे इंडिया और पाकिस्तान का जो कल्चर है वो बहुत हद तक सेम है। क्यों? क्योंकि भाई हम पहले एक ही तो थे, बाद में तो अलग अलग हुए हैं, पहले हम एक ही थे। तो इंडिया में जो चीजें खाई जाती हैं, जैसे हम भी दाल रोटी खाते हैं तो पाकिस्तान में भी दाल रोटी, या फिर हम भी चिकन रोटी खाते हैं वो लोग भी चिकन रोटी खाते हैं। तो मतलब खाने पीने में पहनने में बहुत हद तक हम लोग सेम है, बातचीत करने में हमारी भाषा भी ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पर इंडिया में अगर मैं कोई कंपनी स्टार्ट करता हूँ, सपोज करो मैं कुर्ता पजामा बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, मैं कुर्ता पजामा बनाता हूँ इंडिया में, तो मुझे पता है कि भाई कुर्ता पजामा यूएसए में, यूएस अमेरिका में तो कोई पहनेगा नहीं कुर्ता पजामा। मुझे पता है कि भाई इंडिया में बहुत सारे लोग कुर्ता पजामा पहनते हैं, तो मुझे ये भी पता है कि पाकिस्तान में भी तो पहनते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री से सिमिलर कंट्री है, समझ लो। कंट्री सिमिलैरिटी नाम पता चला है, कंट्री सिमिलैरिटी का मतलब है कि हमारी कंट्री के जैसे दूसरी कंट्री कौन सी दुनिया में, तो उस कंट्री में भी हम अपना कुर्ता पजामा सेल करना स्टार्ट कर देंगे, ताकि जो हमारा बिजनेस है वो एक्सपेंड हो जाए और जो हमारा प्रोडक्शन हमारा एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाए। तो इस थ्योरी में यही बोला गया है कि भाई ऐसी कंट्री जो कि आपके जैसी सिमिलर सिमिलर है उसको उसमें जाके सेल करना स्टार्ट कर दो, एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पर जो स्टेफन लिएंडर है डेवलप्ड कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी 1961 हैज ट्राई टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। लिंडर्स थ्योरी इज प्रपोज दैट कंज्यूमर्स इन कंट्रीज दैट आर इन द सेम और सिमिलर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट वुड हैव सिमिलर प्रेफरेंस। ये बोला जा रहा है कि भाई जो दो कंट्री हैं अगर वहाँ पर सिमिलर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, जो आसपास की हमारी कंट्री हैं, सब लोग डेवलपिंग में आते हैं, है ना, सभी लोग डेवलपिंग में आते हैं, तो जो जो डेवलपिंग नेशन है वहाँ के जो कंज्यूमर होते हैं उनकी प्रेफरेंस सेम रहती है, मतलब वो सिमिलर चीजें कर रहे होते हैं। इन दिस फर्म बेस्ड थ्योरी लैंडर सजेस्टेड दैट कंपनीज फर्स्ट प्रोड्यूस और डोमेस्टिक कंजम्पशन, और पहले अपनी कंट्री के लिए बनाओ, क्योंकि अपनी कंट्री में सेल करना आसान होता है,
जब आप अपनी कंट्री का जो सेल अमाउंट है उसको फुल कर दोगे, उसके बाद आप एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दो। क्या बोला जा रहा है कि भाई आप एक्सपोर्ट करना क्या कर दो, स्टार्ट कर दो। समझ में आ गया, इजी है। एक्सपोर्ट करना कब स्टार्ट करेंगे, जब हम अपने खुद के घर के लिए बना लेंगे, ठीक है, डोमेस्टिक कंजम्पशन जब पूरा हो जाएगा तब हम एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर हो गया? नाउ व्हेन द एक्सप्लोर एक्सपोर्टिंग द कंपनीज ऑफन फाइंड अ मार्केट दैट लुक सिमिलर टू देयर डोमेस्टिक वन इन टर्म्स ऑफ कस्टमर प्रेफरेंस ऑफर द मोस्ट पोटेंशियल फॉर सक्सेस। और ऐसे ऐसी चीजों में सक्सेस मिल जाती है। मैंने आपको बताया ना कि यूएस में अगर कुर्ता पजामा बेचने जाओगे तो इतना नहीं बिकेगा जितना कि पाकिस्तान में बिक जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में मुस्लिम लोग रहते हैं जो कि कुर्ता पजामा पहनते हैं और वहां भी रहते हैं, तो इसका मतलब वहां पर भी कुर्ता पजामा पहनते होंगे लोग जो मतलब हमारे जैसे सिमिलर सिमिलर लोग रहते हैं। तो यहाँ पर आप अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हो। समझ में आ गया, क्लियर हो गया चीजें की क्या बोली जा रही है इसमें। लेंडर्स कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी देन स्टेट दैट मोस्ट ट्रेड इन मैन्युफैक्चर गुड्स विल बी बिटवीन कंट्रीज विद सिमिलर पर कैपिटा इनकम। और बस वही बात बार बार बोली जा रही है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि थ्योरी में क्या बोला गया। मैंने आपको सिंपल भाषा में बता दिया, आप चाहें तो इसको रोक करके पढ़ सकते हैं चीजों को, अपने आप से चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें थ्योरी आती है आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। कौन सी थ्योरी है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। इसमें क्या बोला जा रहा है, इसको बनाया था रेमंड वर्नर ने, ए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल प्रोफेसर, डेवलप द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी 1960। तो नाम याद रख लो कि भाई इसको बनाया किसने था, एक बार नाम ही पूछ लेते हैं एग्जाम की किसने बनाया था। इनके अकॉर्डिंग चार स्टेज होती है किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ में। पहली स्टेज होती है इंट्रोडक्शन, फिर ग्रोथ, फिर मेच्योरिटी एंड डिक्लाइन। आप सभी ने पढ़ते हुए आ रहे हो, ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो चीजें आपको अच्छे से पता है, लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़ा सा ब्रीफली बता दूंगा अभी। द लेंथ ऑफ स्टेज वेराइज फ्रॉम डिफरेंट प्रोडक्ट, वन स्टेज में लास्ट सम वीक वाइल अदर सेवन इवन लास्ट डिग्रीज। ऐसा बोला जा रहा है कि भाई कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ बहुत छोटी होती है, कुछ वीक तक रहती है, जबकि कुछ की लाइफ बहुत 10 10 साल, 20 20 साल, 50 50 साल तक रह सकती है। जैसे हम बात करें कोरोना में जो मास्क बनाया गया था ना, कोरोना में जो मास्क बनाए गए थे उनकी लाइफ बहुत छोटी होती है। जैसे कोरोना बहुत ज्यादा फैल गया तो मास्क बिकना स्टार्ट हो जाएगा, अब कोरोना कम हो गया तो क्या हो जाएगा, मास्क बिकना बंद हो जाएगा, या कोरोना बिल्कुल खत्म हो गया उसकी दवाई आ जाए तो ऐसे में उसका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, मतलब एक तरीके से उसको कोई खरीदेगा ही नहीं। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि भाई किसी किसी की लाइफ तो बहुत छोटी होती है, कुछ वीक तक चलती है, जबकि किसी किसी प्रोडक्ट की लाइफ बहुत लंबी होती है। तो पहली बात तो यहाँ पर ये बोली जा रही है, उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है दैट लाइफ स्पैन ऑफ अ प्रोडक्ट एंड हाउ फास्ट इट गोज थ्रू द एंटायर लाइफ साइकिल डिपेंड्स ऑन फॉर इंस्टेंस मार्केट डिमांड एंड हाउ मार्केटिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड। तो बोला जा रहा है कि भाई जब भी आप गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, उसको सेल करते हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे डिपेंड करता है कि मार्केट में डिमांड कितनी है, इंस्ट्रूमेंट और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आप क्या यूज़ कर रहे हैं। चार स्टेज बताई गई हैं, परिचय, विकास, परिपक्वता और गिरावट। चारों स्टेज को हम लोग थोड़ा सा ब्रीफली समझ लेते हैं। 1960 में इस थ्योरी को बनाया गया था, प्रोफेसर रेमंड वर्नर ने बनाया था, नाम याद कर लो, कई बार एग्जाम में इसका नाम ही पूछ लेते हैं कि इस थ्योरी को किसने बनाया था। उत्पाद जीवन चक्र सिद्धांत। पहली स्टेज क्या होती है, पहली स्टेज होती है इंट्रोडक्शन स्टेज। इसमें बोला जा रहा है कि व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप अ प्रोडक्ट सक्सेसफुली इट विल बी इंट्रोड्यूस इनटू द नेशनल इंटरनेशनल आउटलेट। मतलब ये जस्ट हमारी पहली स्टेज है जहाँ पर जस्ट अभी प्रोडक्शन प्रोडक्ट बनाया गया है, और अब क्या करना है, हमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे उसको बेचने के लिए स्टार्ट कर देना है। और यहाँ पर क्या होता है, एट दिस स्टेज प्रॉफिट आर लो, प्रॉफिट कम रहता है, बिकॉज इतना आपको मार्केट में जानता नहीं, आपको कॉम्पिटिटर बहुत ही कम रहते हैं, ऐसे में रहते कम नहीं रहते, बिकॉज अभी आपने नया नया प्रोडक्ट बनाया है तो आपके प्रोडक्ट को इतना कोई जानता नहीं है। मोर आइटम्स ऑफ द प्रोडक्ट आर सोल्ड, इट विल एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑटोमेटिकली। और जैसे ही आपको मार्केट में जो लोग जानना स्टार्ट कर देते हैं, आपका बहुत सारा सामान सेल होना स्टार्ट हो जाएगा, और वैसे ही आप नेक्स्ट स्टेज में ऑटोमेटिकली चले जाओगे। नेक्स्ट स्टेज कौन सी होती है, ग्रोथ स्टेज। सो इन दिस स्टेज इंक्रीज सेल्स, इंक्रीज बहुत सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है, एज ए रिजल्ट द प्रोडक्शन कॉस्ट डिक्रीज, और प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है आपकी, हाई प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट होता है। याद रखना ग्रोथ में बहुत हाई प्रॉफिट रहता है, इंट्रोडक्शन में आपको लो प्रॉफिट रहता है। एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि भाई जो लाइफ साइकिल है उसमें इंट्रोडक्शन स्टेज में प्रॉफिट कितना रहता है, हाई, लो या कम, या इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो आप इन चीजों को याद रखें और समझ लें चीजों को किस तरीके से होता है। द प्रोडक्ट बिकम्स वाइडली नोन एंड कंपटीटर्स विल एंटर द मार्केट। और जब ग्रोथ होती है ना आपकी, तो आपको लोग देखते हैं मार्केट में, अच्छा इस बंदे की बहुत ग्रोथ हो रही है, चलो हम भी यही काम करेंगे। तो इस तरीके से आपके कॉम्पिटिटर बहुत सारे मार्केट में आ जाते हैं, और फिर जैसे ही बहुत सारे मार्केट में कॉम्पिटिटर आ जाएंगे तो फिर वैसे आप थर्ड स्टेज में चले जाओगे। प्रोडक्ट एज मच लोअर सेल्स प्राइस, यहाँ पर सेल प्राइस काफी कम रखना, यूजली द ऑफर द प्रोडक्ट एज ए मच लोअर सेल प्राइस टू अट्रैक्ट एज मैनी कंज्यूमर पॉसिबल। और इस तरीके से जो है जैसे कॉम्पिटिटर मार्केट में एंटर करते हैं, आप अपना प्राइस जो है वो कम करना स्टार्ट कर देते हो ताकि ज्यादा लोग आपसे परचेज करें। देन उसके बाद मेच्योरिटी स्टेज आती है। मेच्योरिटी स्टेज में क्या होता है, इन द मेच्योरिटी स्टेज द प्रोडक्ट इज वाइडली नोन एज एंड इज बाउट बाय मैनी कंज्यूमर्स। क्या बोला जा रहा है कि भाई जो मेच्योरिटी स्टेज है यहाँ पर
आपके जो कंज्यूमर आपका जो सामान है बहुत ज्यादा ऑलरेडी बिक चुका है, बहुत सारे लोगों ने खरीद लिया है, तो अब क्या है उनको नीड नहीं है आपके सामान की। और जब आपको क्योंकि उनके पास ऑलरेडी है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपकी डिमांड वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगी मार्केट में। प्रोडक्ट इज सोल्ड एट रिकॉर्ड लो प्राइस, अब आप प्राइस बहुत कम कर देते हो बिकॉज आपका प्रोडक्ट ज्यादा सेल नहीं हो रहा है। और अब यहाँ पर इस स्टेज में आप अडेप्टेशन और इनोवेशन पर ध्यान देते हो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा इनोवेट करे, कुछ एडिशन करना स्टार्ट कर देते हो आप अपने प्रोडक्ट में, ताकि आपका सामान खरीदना स्टार्ट कर दे लोग दोबारा से। द मार्केटिंग एंड प्रमोशन कॉस्ट आर वेरी हाई एट दिस स्टेज, बिकॉज आप मार्केटिंग करते हो, प्रमोशन करते हो कि भाई हम अपने सामान को इनोवेट कर रहे हैं, नया नया इसमें फीचर ऐड कर रहे हैं, और इस वजह से जो आपकी कॉस्ट है बहुत ज्यादा हो जाती है। लास्ट स्टेज आती है आपकी डिक्लाइन स्टेज, इसमें क्या होता है मार्केट बिकम सैचुरेटेड एंड प्रोडक्ट इज नो लॉन्गर सोल्ड एंड बिकम अनपॉपुलर। अब मार्केट जो है बहुत ज्यादा सैचुरेट हो चुकी है, सबके पास वो सब प्रोडक्ट पहुंच चुका है, और मार्केट में अब आपके लिए ज्यादा कंज्यूमर नहीं बचे हैं, और जो आपका सामान है वो अनपॉपुलर हो चुका है, क्योंकि मार्केट में नए नए प्रोडक्ट आ जाते हैं, कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो अब आपका जो नाम है वो पहले के कंपेरिजन में इतना पॉपुलर नहीं रहता, और इस तरीके से जो है आपकी जो स्टेज है वो डिक्लाइन स्टेज में आप एंटर कर जाते हो। समझ में आ गया, चारों स्टेज समझ में आ गई, तो आप इन चारों स्टेज को एक बार दोबारा से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। थर्ड इसमें थ्योरी आपकी ग्लोबल स्ट्रेटेजिक राइवलरी थ्योरी। ग्लोबल स्ट्रेटेजिक राइवलरी थ्योरी का मतलब है नाम से पता चला कि ग्लोबल लेवल पे आप राइवलरी जो है ना वो निभाने आ रहे हो। 1980 में इसको बनाया गया था। तो गाइज इस थ्योरी में बात की जा रही है ग्लोबल लेवल के एडवांटेज की, ताकि ग्लोबल लेवल पे आपको एडवांटेज मिल सके, आप ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिशन करें। 1980 में इस थ्योरी को बनाया गया था ऑन द वर्क ऑफ द इकोनॉमिस्ट पॉल क्रुगमैन एंड कैल्विन लैंकेस्टर। तो ये इनके नाम है जिनके काम जिन के कंसेप्ट के बेस के ऊपर थ्योरी बनी है। द थ्योरी फोकस्ड ऑन एमएनसीज, जो मल्टीनेशनल कंपनी है ना, जो एक एक देश में रहती हैं और प्लस दूसरे देश में भी काम करती हैं, तीसरे देश में भी काम करती हैं, मल्टीनेशनल कंपनी है, एंड देयर एफर्ट टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको कब मिलेगा अगेंस्ट द ग्लोबल फर्म्स इन देयर इंडस्ट्री। वो अपने पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर ग्लोबल लेवल पे एडवांटेज लेना चाहते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बाटा है। अब बाटा एक ऐसी कंपनी है जो कि चाहती है कि भाई उसके इंडस्ट्री में और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे रिलैक्सो है, एक्शन है, पूमा है, इसके अलावा रिबॉक है, बहुत सारी अलग अलग कंपनियां हैं जो कि शूज बनाती हैं, जो जूते चप्पल बनाती हैं। तो बाटा चाहता है, अगर बाटा ऐसा चाहे एग्जाम्पल के तौर पे, बाटा चाहे कि भाई मुझे एडवांटेज मिलना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि मैं मल्टीनेशनल कंपनी हूँ, मेरा सामान दूसरी कंट्री में भी सेल होने जाता है, तो उनको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। डेवलप कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, उस कॉम्पिटेटिव एडवांटेज को डेवलप करने के लिए कुछ कुछ चीजों का उनको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस थ्योरी में ये बोला गया है। अब वो बातें कौन कौन सी हैं ध्यान से सुनना। द बैरियर्स टू एंट्री द कॉर्पोरेशन में सीक टू ऑप्टिमाइज, भाई अपने ही इंडस्ट्री में नए लोगों को मत आने दो। जैसे आप शूज बना रहे हो तो आप अपनी इंडस्ट्री में नए लोगों का प्रोडक्शन मत करने दो, क्यों? क्योंकि नए लोग आएंगे तो इससे आपको कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। तो क्या करो, आप उनको एंट्री लेने में प्रॉब्लम क्रिएट करो, करो बैरियर्स टू एंट्री कर दो। आप बैरियर कैसे करेंगे, अपना सामान सस्ता कर दो, बहुत ज्यादा सस्ता कर दो, इतना सस्ता कर दो कि आपके सामान लोग परचेज करें उनका कोई परचेज ही ना करे, और इतना सस्ता इतने सस्ते सामान में वो टिक नहीं पाएंगे मार्केट में, मार्केट छोड़ के चले जाएंगे। और यहाँ पर कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसने बोला है भाई, इस थ्योरी में बोला जा रहा है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके आप इनोवेटिव प्रोडक्ट लाते रहो टाइम टू टाइम। ऑनरशिप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मतलब आप पेटेंट करा लो, जब भी आप कोई सामान बनाओ तो उसका पेटेंट करवा लो, ताकि आपके आपका काम को कोई आपके काम को कोई कॉपी ना करे। इकोनॉमी जब स्केल आ जाएगा, आप बड़े लेवल पे काम करोगे, मल्टीनेशनल काम कर रहे हो, तो आपके पास इकोनॉमी जब स्केल है, ताकि कॉस्ट भी आपकी जो है वो कम रह पाएगी। यूनिक बिजनेस प्रोसेस और मेथड्स एज वेल एज एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री, तो आप यूनिक तरीका अपनाओ बिजनेस करने का जिसको कोई कॉपी ना कर सके। द कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज और फेवरेबल एक्सेस टू रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल पे भी आप एक फेवरेबल एक्सेस लेके रखो, ताकि बाकी लोग जो है वो रॉ मटेरियल को इतने इजिली ना ले पाए जितना इजिली आप ले पा रहे हो, ताकि आप बाकी लोगों को टक्कर दे पाओ। समझ में आ गया। वैश्विक सामरिक प्रतिद्वंदिता सिद्धांत, तो ये कुछ पॉइंट्स जिनको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है किसी भी कंट्री को, ताकि वो ग्लोबल लेवल पे इस चीज का एडवांटेज ले सके। समझ में आ गया। लास्ट थ्योरी जो है इस क्लास की और इस टॉपिक की लास्ट थ्योरी, दैट इज पोर्टर्स नेशनल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज थ्योरी। इस थ्योरी को बनाया गया था 1990 में, ये माइकल पोर्टर जो कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में बनाया गया था इस थ्योरी को। और इसमें क्या बोला गया डिस्कस करते हैं। इसमें साफ साफ ये बोला जा रहा है दैट पोर्टर्स थ्योरी स्टेटेड दैट अ नेशंस कॉम्पिटिटिवनेस इज एन इन एन इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ द इंडस्ट्री टू इनोवेट एंड अपग्रेड। इसमें बोला जा रहा है कि भाई किसी भी कंपनी को, किसी भी इंडस्ट्री को अपने इनोवेशन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि
कि इनोवेटिव और अपग्रेड करते रहना चाहिए अपने आप को टाइम टू टाइम, नहीं तो आपके कॉम्पिटिटर आएंगे, आपको कॉपी करेंगे और वो सामान सेल करना स्टार्ट कर देंगे, तो वो आपको कॉपी ना कर पाए, इसलिए आप इनोवेट करते रहो मार्केट में। जब आप इनोवेट करोगे तो डेफिनेटली वो आपको कॉपी करने में टाइम लगाएंगे, जिससे आपको एडवांटेज मिल जाएगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस थ्योरी फोकस ऑन एक्सप्लेनिंग व्हाई सम नेशंस आर मोर कॉम्पिटिटिव इन सर्टेन इंडस्ट्रीज। तो गाइज यहाँ पर चार चीजें हैं जो कि जिसको कि फोर डायमंड भी कहा जाता है। फोर डायमंड क्या बोला जाता है? फोर डायमंड बोला जाता है पोर्टर्स थ्योरी के। तो कौन कौन से हैं? पहला है लोकल मार्केट रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज, नेक्स्ट आपका लोकल मार्केट डिमांड कंडीशन, थर्ड आपका लोकल सप्लायर्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज, एंड फोर्थ आपका लोकल फर्म्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये चार डायमंड जिनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है किसी भी कंट्री किसी भी कंपनी को। लोकल फर्म एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, लोकल फर्म देन लोकल मार्केट डिमांड, लोकल सप्लायर्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज, एंड लोकल मार्केट रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज। देखो नाम से पता चल रहा है कि भाई जो चीजें हैं वो एक कंट्री के अंदर जो कंपनी काम कर रही है वो चीजों पे ज्यादा फोकस करके काम कर सकती है, जैसे लोकल मार्केट डिमांड है। अब एक लोकल कंपनी को ही पता होगा कि भाई उसके लोगों को क्या पहनना पसंद है, किस तरीके से वो सामान परचेज करते हैं, तो उन चीजों पर ध्यान दो ना। कोई बाहर का बंदा अगर आएगा आपकी मार्केट में, उसको इतनी नॉलेज नहीं है जितनी नॉलेज आपको होनी चाहिए, बिकॉज आप एक लोकल हो, उस कंट्री में आप पहले से काम कर रहे हो, तो आपको इस चीज का एडवांटेज है। आप उन चीजों पर ध्यान दें, लोग किस चीज की डिमांड करते हैं, किस तरीके से लोग सामान परचेज करते हैं, ताकि आपको एडवांटेज मिले इस एरिया में। एक चीज ये हो गई, जैसे मैं इसका एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, हमारी इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो यूट्यूब के जो वीडियोज हैं किसी किसी टॉपिक को, जैसे कॉमेडी की वीडियोज बहुत चलती हैं, है ना, और ऐसे ही आपकी जो न्यूज की वीडियोज होती है बहुत चलती हैं। तो क्यों चलती हैं? बिकॉज यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। और अगर अगर हम बात करें बाहर की कंट्री की, तो बाहर की कंट्री के लोग हमारी कंट्री में आकर के ऐसी वीडियोज बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका काम चल सके। तो यहाँ पर आपको इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है कि भाई आप देखो कि आपकी कंट्री में किन चीजों का ज्यादा एडवांटेज आपको मिल सकता है, तो आप इन चीजों पर ध्यान दें। नेक्स्ट इसमें आपका लोकल फर्म कैरेक्टरिस्टिक्स, भाई लोकल फर्म के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको मैच करना है ग्लोबल कंपनी के लिए बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, इंडिया में अगर आपने बर्गर खाया है, एक ऐसा बर्गर जो कि रेडी पे बनाता है, रेडी वाला बर्गर खाया कि जो रेडी पे लगाते हैं, एक ऐसा बर्गर जो रेडी वाला बनाता है, वो बर्गर भी काफी स्वादिष्ट होता है एज कंपेयर विद मैकडी, जो मैकडी का बर्गर है। क्यों? क्योंकि भाई ये तलता है, उस बर्गर को तलेगा ऑयल में, उसको क्रिस्पी बना देगा, कुरकुरा बना देगा, उसके बाद उसमें काफी सारी चीजें भरेगा जो कि देसी सामान होता है। अब मैगडी को नहीं पता भाई कि उसको तला भी जाए या उसके अंदर कुछ सामान भरा जाए, तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैगडी का बर्गर अच्छा नहीं है, उसका भी अच्छा है, लेकिन जिनको सामान अपने अपने लोकल सामान जो पसंद है वो उन चीजों पर फोकस नहीं कर सकते या उनको नहीं आता उतना डिटेल में। लोकल मार्केट रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज, आप अगर इस कंट्री में पहले से काम कर रहे हो तो आपके पास लोकल मार्केट के रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, कैपेबिलिटीज आपके पास अच्छी होनी चाहिए एज कम्पेयर विद अदर जो बाहर से आएंगे। लोकल सप्लायर्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज, जो आपके सप्लायर है ना, जो आपको सप्लाई करते हैं सामान, उन पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जो आपको कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्री जो आपके साथ साथ काम कर रही है, कि भाई वो भी आपको सपोर्ट करें, ताकि जो बाहर की कंपनी है वो आपके मार्केट में इतने लंबे टाइम तक ना टिक पाए। तो ये कुछ चार पांच चीजें आप एक बार इनको गो थ्रू कर लेना, मैंने आप लिख दिया है, सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप इनको पढ़ करके समझेंगे तो सबको आपको इजीली समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ब्रीफली, ठीक है गाइस। जिस तरीके से मैं आज की इस क्लास में आपको पढ़ा रहा था, इसी तरीके से मैंने कंप्लीट कोर्स को कवर किया हुआ है, कॉमर्स का पेपर वन का भी है, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस। सो गाइस आप एग्जाम टारगेट स्टडी करेंगे तो आपका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कुछ आपको मिलने वाला है, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो कि इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में होंगे, एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न चीजों को हमने कवर किया हुआ है, 100 मॉक टेस्ट है प्रैक्टिस करने के लिए इन पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स है जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर सकते हो। इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको यूजीसी नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है, अगर आप आईओएस यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो फटाफट से इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल फोन में और अपनी एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स, सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।